हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड सुरिंदर कौर, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइन ओकल्ट साइंस में। दोस्तों, मैं आपको आज होरारी के बारे में बात करूंगी। तो होरारी में हमें किस तरीके से सामने वाले के क्वेश्चन को देखना है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं जो क्वेश्चन उठाने लगी हूँ यहाँ पर, जो वो क्वेश्चन है आपका, क्या मुझे कोर्ट केस में सफलता मिलेगी, तो हमें ये क्वेश्चन को देखना है। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपने क्वेश्चन को देखना है, होरारी की बात करेंगे, तो आप जो यहाँ पर सामने वाले से व्यक्ति से क्वेश्चन लेंगे, तो आप जो होरारी की बात मैं आपसे कर रही हूँ, तो 1 to 249 के बीच में आप सामने वाले से एक होरारी नंबर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक होरारी नंबर लेने के बाद आपने सामने वाले से होरारी नंबर लिया, सामने वाले के व्यक्ति ने क्वेश्चन किया आपसे, क्या मुझे कोर्ट केस में सफलता मिलेगी। होरारी नंबर लेने के बाद आपने क्या देखना है कि जो व्यक्ति ने होरारी नंबर दिया है वो आपने देखा, आपने लगाया, उसको अभी देखना है आपने, क्या कोई प्लैनेट इस समय वक्री तो नहीं चल रहा। अगर वक्री चल रहा है तो आपने जब भी सामने वाले का जो क्वेश्चन किया, आपने देखा 6th हाउस का ये क्वेश्चन है, अगर उसका नक्षत्र लोड वक्री हो जाएगा तो दोस्तों अब आपको सामने वाले के सवाल का सीधा सीधा मना कर देना है कि आपको दिक्कत आने वाली है, आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये वक्री नहीं हुआ तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। प्रॉमिस चेक करेंगे पहले दोस्तों आप लोग, अब क्या मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 6th हाउस का सब लोड नक्षत्र लोड यदि मिलकर आपको 6, 10, 11 जैसे नंबर दिखा रहा है तो दोस्तों आपको सफलता मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से आपका 4, 5, 12 जैसा नंबर 6th हाउस का सब लोड नक्षत्र लोड दे गया है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। इसी तरीके से यही आपका 5 and 9 जैसे नंबर दे गया है तो आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई, आपने प्रॉमिस चेक किया दोस्तों, आपको इस तरीके का प्रॉमिस मिला तो आप सामने वाले को बोलेंगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको सफलता मिलने के चांस है। ठीक दोस्तों, अब इसी तरीके से फिर आप जाएंगे इसके भुक्ति पर। भुक्ति आपकी जिस भी प्लेनेट की चल रही है, आप दशा भुक्ति अंतर चेक करेंगे। मेनली आप लोग थोड़ा भुक्ति पर ज़्यादा फोकस लगाइएगा। भुक्ति आपकी जब ये भुक्ति शुरू हुई थी तो जो ये भुक्ति वाला प्लेनेट था किसकी राशि में गोचर कर रहा था, यदि वो गोचर मींस ट्रांजिट वाला प्लेनेट आपको 6, 10, 11 जैसे नंबर दे जा रहा है तो इसका मतलब दोस्तों आपकी जीत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, खास ध्यान, आपने पहले यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले प्रॉमिस चेक किया है, उसके बाद आप लोग जाएंगे अंतरदशा के ट्रांजिट लोड पर। यदि ट्रांजिट वाला लोड आपको पॉजिटिव नंबर दे गया है तो आपको सक्सेस मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, हम लोगों का ये KP एस्ट्रोलॉजी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 23 अगस्त से, ये बैच हम लोगों का 23 अगस्त से नहीं दोस्तों 23 मई से हम लोगों का ये बैच स्टार्ट हो रहा है 23 मई से दोस्तों। हाँ, 23 मई से दोपहर में 12 बजे हम लोगों का ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।